हेलो फ्रेंड्स, हमारे ईज टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको डिजाइनर स्लीव्स बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये स्लीव्स की कटिंग पहले से ही कटिंग कर ली है, जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं, जिसकी वीडियो हमने बहुत सारी अपलोड की हुई हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारी ये स्लीव्स है इसको हम इस तरीके से सिलेंगे, तो उसके लिए हम पहले निशान लगाएंगे। तो ये मेरी एक स्लीव्स है और ये मैंने कपड़ा लिया है, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है। आप किसी भी कपड़े से इसको डिजाइन कर सकती हैं, यानी कि जिस भी। तो देखिए, जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है, इस कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच है। और उसके बाद लेंथ हमने इसकी 1 मीटर ली है, क्योंकि इसमें से हमें पट्टियां बनानी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको तैयार करते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे उल्टी साइड से, और फिर जैसे हम डोरी को सीधा करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको इसे सीधा करना होगा। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब जहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, पहले उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब एक सुई लेंगे और उसको इस तरीके से ऐसे डाल के और इस डोरी को हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से पूरी ही डोरी को हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारी डोरी बाहर निकल आई है। अब इसको खींच के अच्छे से प्रेस कर लीजिए, या फिर अच्छे से सिलाई लगा के इसको एकदम स्ट्रेट यानी कि सीधा बना लेंगे, कहीं से भी बल वगैरह नहीं पड़ने चाहिए इसमें। तो देखिए, मैंने प्रेस से इसको इस तरीके से कर लिया है। जो इसकी सेंटर की सिलाई थी उसको मैंने साइड में ले दिया है, ताकि ये बीच में दिखाई ना दे। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स के ऊपर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले एक निशान हम सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए, स्लीव्स को मैंने 2 फोल्ड में किया हुआ है, सेंटर में एक सीधा निशान लगा देंगे। अब सीधा देखिए, मैंने सेंटर में निशान लगा दिया है। अब उसके बाद, और देखिए, ये नॉर्मल स्लीव्स से, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की जो चौड़ाई लेते हैं वो लेते हैं 8.5 इंच, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच ली है, क्योंकि मुझे इसमें ही कपड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैं करीबन 2-2 इंच के पीस कट कर रही हूँ। जो इसकी चौड़ाई है इन पीस की 2-2 इंच है, तो मैं इस 2-2 इंच के पीस को इस तरीके से कट करके और ऐसे बिल्कुल सेंटर में से रख के और सिलाई कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ से रखा मैंने, और ऊपर से मैं करीबन 1 इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। और देखिए, आप चाहें तो इसका भी सेंटर करके लगा सकती हैं, अगर आपको ऐसे अंदाज़ा ना हो, वरना आप इसको ऐसे सीधा ही लगा लीजिए। तो देखिए, अंदाज़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है जो लोग सिलाई करते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल हमारा इतना ही इतको है। फिर भी अगर देखिए, जो मैं डिस्टेंस दे रही हूँ बीच में, वो मैं 0.5 इंच से भी कम का दे रही हूँ, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप चाहें तो बिल्कुल पास करके भी ले सकती हैं, और जितना मैंने 0.5 इंच से कम दिया है, आप इससे ज़्यादा भी दे सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए, हमारे जितने भी हमारे पैटर्न हैं, और देखिए, जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है, वो हमारी इसकी लेंथ 8 इंच की है तैयार। आप इससे कम ज़्यादा भी रख सकती हैं, मतलब फुल में भी ये डिज़ाइन आप बना सकती हैं। अब देखिए, पूरे पैटर्नों को हम इसी तरीके से एकदम लगा लेंगे, अच्छे से बराबर करके और पूरे को लगा के, और यहाँ से भी हम करीबन 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। अब हमने एक साइड को सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी साइड को सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसी को दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पूरे पार्ट में लगा लेंगे सिलाई को, बिल्कुल कहीं पे भी इसमें झोल वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, एकदम बराबर करके आपको लगानी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको ये स्लीव्स तैयार करनी है। अब सिलाई को हम ऊपर तक ला के यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब देखिए, जो हमने स्लीव्स में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसी 0.5 इंच हम इधर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे। इसी मतलब जो हमने कपड़ा इसमें से हमने कट नहीं किया, अब एक्स्ट्रा नहीं वो नहीं करना है, अलग से पट्टी नहीं लगानी है, इसी कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, और जैसे आपका कपड़ा कहीं से ज़्यादा निकल रहा हो पट्टी लगाते टाइम, तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। और देखिए, इस तरीके से ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसको, इसके ऊपर रख के मैं 0.5 इंच के बराबर रख रही हूँ, ताकि जो हमारी ये सिलाई है वो पूरी ढकनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, हम ऐसे ही पूरी में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस साइड से भी हम ऐसे ही इतना ही दबाएंगे, यानी कि हमारा जो कपड़ा है वो एकदम बराबर ही दबना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये अच्छे से फोल्ड कर दी है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है। अब हम क्या करेंगे,
एक पट्टी ले ली है मैंने करीबन 1 इंच चौड़ी, और इस पट्टी को ऐसे सिल दिया है और ऐसे उल्टी साइड को फोल्ड करके और इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें जो एक्स्ट्रा लिया था उससे हमारा स्लीव्स में भी लगेगा तो उसमें ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लेस को लगाएंगे इस तरीके से, पूरे में इस लेस को लगाएंगे। आप चाहें तो प्लेन भी रख सकती हैं। तो सबसे पहले हमने मोती लिए हैं तो पहले हम मोतियों को लगा लेते हैं। तो देखिए सेंटर में से सुई को निकालेंगे और निकालने के बाद इस तरीके से इसमें एक टांका ऐसे लगा देंगे और फिर इसको अच्छे से टाइट करके और इसके ऊपर से एक मोती लगा देंगे। देखिए यहाँ से एक वाइट मोती लेंगे, आप कोई भी कलर में मोती ले सकती हैं। अब इस मोती को हम यहाँ पे अच्छे से फिक्स करके नीचे की साइड लाके और फिर जो बाकी के हमारे बच्चे हैं डिजाइन उनमें भी देखिए ऐसे ही उठा के सुई को और ऐसे नीचे की साइड से ही सेंटर से निकाल के और फिर इस साइड ऐसे ही लगाएंगे, ये देखिए, और फिर से हम ऐसे ही पकड़ेंगे इसको। अब यहाँ पे भी एक मोती लगा देंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे लगाया था। तो देखिए मैंने सब में ऐसे ही मोती लगा लिए हैं, आप देख सकती हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है अब ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नग वाली लेस ली थी इसको हम इस तरीके से रख के और पूरे में लगा लेंगे, ऐसे रखेंगे। अगर आपसे ये मशीन से ना लगे तो आप हाथ से भी लगा सकती हैं, और देखिए नहीं भी लगाना चाहती हैं तो कोई प्लेन लेस हो आपके पास आप वो भी लगा सकती हैं, या फिर इसको ऐसे ही सिंपल भी रख सकती हैं। रखने के बाद अब देखिए रखने के बाद हमारी इस तरीके से दिखाई दे रही है ये। अब आप चाहें तो देखिए इसको किसी भी कुर्ती में लगाइए, ब्लाउज में लगाइए, आपकी स्लीव्स एकदम तैयार है। हम इसको गाउन में लगाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसका फ़ोटो लगा देंगे किस तरीके से लुक आया।